हेलो क्लास फोर्थ आज आप साइंस में स्टडी करें चैप्टर सेकंड एडोप्टेशन इन प्लांट्स प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ सम प्लांट्स ग्रो वेल ऑन लैंड वेर सम प्लांट्स ग्रो वेल इन वाटर द प्लेस वेयर अ प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट तो प्लांट्स अर्थ पे लगभग हर एक जगह पे उग जाते हैं सम प्लांट्स ग्रो वेल ऑन लैंड कुछ प्लांट लैंड पे अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं और कुछ प्लांट आपके वाटर में अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं तो वो प्लेस जहाँ पे प्लांट ग्रो होता है वो उसका क्या कहलाता है हैबिटेट प्लांट ग्रोविंग इन डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट फीचर्स दीज फीचर्स हेल्प द प्लांट्स टू सस्टेन लाइफ इन दीज रीजन्स these features are known as adaptation depending on the place where they grow plant can be divided into two groups okay so they have fourth line that plants growing in different area have different features जो प्लांट अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रीजन्स में ग्रो होते हैं उनके फीचर्स भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं तो दीज फीचर्स हेल्प द प्लांट टू तो सस्टेन लाइफ इन दीज रीजन इन्हीं फीचर्स की वजह से कोई प्लांट उस रीजन पे जहां पे वो ग्रो होता है वहां पे अपनी आ, क्या कहते हैं वो जिंदा रह सकता है These features are known as adaptations, और फीचर्स को आप क्या कहते है? कहते हैं हैं। टेरिस्ट्रियल प्लांट एंड सेकेंड एक्वेटिक प्लांट ओके टेरिस्ट्रियल प्लांट्स

Plants that grow in Mars area, plants that grow in desert. Toh, Adaptation in plants growing in cold region. Plants growing on mountains are in a cold region are generally tall and straight. This protects them from strong winds and rainfall. They have shorter stem so that they can avoid harsh wind. They have a wide root system to get more nutrients. The leaves of these trees are needle-like and have waxy coating to prevent drying out. These trees do not wear flowers, instead the they wear cones. These trees are also called conifer, for example, pine fir uh, cedar and deder etc. तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट लाइन प्लांट ग्रीन माउंटेन आर कोल्ड रीजन आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट यानी जो इस रीजन में जो प्लांट आपके होते हैं वो कैसे होते हैं आपके टॉल एंड स्ट्रेट और इससे क्या होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है जब तेज हवाएं चलती है रेनफॉल होता है तो ये खड़े रहते हैं गिरते नहीं है दे हैव स्टेम और इनका जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है छोटा ही होता है

Adaptation in plants growing in marshy area Marshy areas have clay and sticky soil the roots plants growing here do not get enough air to breathe so they grow out of the soil to breathe such types of roots are called breathing roots mangroves are found in marshy area तो यहाँ पे क्या है मार्सी एरिया है क्ले एंड स्टिकी स्वेल। जो मार्सी एरिया की जो स्वेल होती है, कैसी होती है क्ले और स्टिकी चिपचिपी होती है और रूट ऑफ प्लांट्स ग्रोविंग हियर डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ तो रूट्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एयर नहीं मिल पाता है ब्रीथिंग के लिए तो वो क्या करते हैं एक आ, अपने रूट्स को बाहर निकाल लेते हैं ओके

ताकि आपका रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर वाटर कम से कम लॉस हो देयर रूट्स गो डीप अंडर द ग्राउंड और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ग्राउंड में काफी नीचे तक जाती हैं क्यों जाती हैं ताकि वाटर को अब्जर्व कर सके द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड प्रिकली प्रियर आर ग्रीन एंड फ्लेसी ओके तो यहाँ के जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं Uh, जैसे आपका कैक्टस और में तो कैसे होते हैं ये ग्रीन और फ्लैसी होते हैं दे प्रिपेयर फूड फॉर आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट का फूड कौन प्रिपेयर करती हैं लिप्स करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट आपके डिजर्ट एरिया में जो होते हैं इनका फूड कौन प्रिपेयर करता है स्टेम करता है ओके पार्म एंड कीकर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाउंड इन डिजर्ट देन आपका plant, plant ऐसे प्लांट जो की वॉटर में ग्रो होते हैं आप उनको क्या कहेंगे कहेंगे एक्वेटिक प्लांट कैन भी डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स फ्लोटिंग प्लांट फिक्स प्लांट एंड अंडर वॉटर प्लांट ओके फ्लोटिंग जो आपको ऊपर दिखेंगे फिक्स Uh, uh, fix, मतलब वो ग्राउंड पे आपके रहेंगे और अंडर वाटर पानी के नीचे ही फर्स्ट आपका फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल लाइट एंड स्पंगी ओके तो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं कैसे रहते हैं स्मॉल होते हैं काफी लाइट भी होते हैं और स्पंगी भी होते हैं देयर रूट्स आर नॉट फिक्स इनकी रूट्स

ग्राउंड uh, पर क्या होती फिक्स होती है द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग और इनकी जो स्टेम होती काफी लॉन्ग होती है ओलो होती और लाइट होती है और देयर लीव्स आर ब्रोड इनकी जो लीव्स होती काफी ब्रोड होती चौड़ी होती हैं एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग और एक वैक्सी uh, कोटिंग कह सकते हैं जो कि आपका मोम जैसा चिकनापन रहता है एक, एक चिकनी लेयर रहती है लिप्स पर दे फ्लोट ऑन वॉटर और ये वॉटर पे फ्लोट करती है तैरती है दस्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द लिप्स तो जो स्टोमेटा होता है अभी तक आपने पढ़ा होगा कि नीचे के साइड में होता है लेकिन इसमें सिर्फ ऊपर के साइड में होते हैं लोटस एंड वॉटर लिली आर द एग्जाम्पल आन अंडर वॉटर प्लांट दीज प्लांट हैव लॉन्ग थिंग रिबन लाइक लिप्स

वो ऐसे मोडिफाइड हो जाती है जिससे ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सके पकड़ सके दीज प्लांट आर मोस्टली फाउंड इन दो इन न्यूट्रिय ऐसे प्लांट आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं जहां की सॉइल में न्यूट्रिय की कमी होती है बीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टीवोर प्लांट

होती है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है और जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर ये बैठता है तो ये क्या करती है अपने लीव्स को क्लोज कर लेती है है और इंसेक्ट आपका इससे हो जाता है, ओके इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पर ही और आप लोगों ने देखा नहीं ओके देखा होता इसलिए मैंने बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने किया भी नहीं होगा अभी भी कुछ लोगों ने नहीं किया होगा देन आपका पिचर प्लांट पिचर प्लांट का भी था बिनेस उसमें कई सारे आपके टोटल वो इंसेक्टिव प्लांट का वीडियो ही था टोटल टॉपिक ही वही था ये आपका पिचर प्लांट है और इसका नेम भी पिचर प्लांट इसलिए क्योंकि इसका जो सेप है पिचर की तरीके से होता है तो द लीप्स ऑफ द पिचर प्लांट आर इन फॉर्म ऑफ पिचर दैट कंटेन स्टिकी लिक्विड इसके अंदर आपका स्टिकी uh, लिक्विड होता है

सम प्लांट आर नॉन ग्रीन कुछ प्लांट आपके ग्रीन नहीं होते दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड तो देव न्यूट्रिय प्लांट एंड एनिमल तो वो क्या करते हैं न्यूट्रिय कहा से लेते हैं डेड प्लांट से या फिर एनिमल से लेते हैं सच प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट इंडियन पाइप एंड मशरूम आर एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल्स ऑफ साहब सेप्ट्रोफाइटिक प्लांट्स आपने मशरूम देखा होगा तो आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है क्योंकि वो डेड प्लांट्स uh, पे ही ग्रो होता है ओके okay?